सो हे गाइस, चलिए आज हम खेलेंगे पोकेमोन फायर और आप देख रहे हैं थंडर वी चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हम लोग ने विक्ट्री रोड से पार करके इधर तक आ गए। सो फाइनली हम लोग इस जगह तक पहुंच गए। सो उससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे फुल हील्स, मैक्स पोर्शंस और रिवाइव्स लेके रखे। सो आप ये इधर से खरीद सकते, इधर के मार्ट्स में मैक्स चीज़ें मिलते हैं। सो उधर से खरीदते। और उससे पहले हम लोग हमारे पोकेमोन्स दिखाते थे। सो कुछ भी लेवल अप नहीं किया है। सो वैसे का वैसा ही है, पर बहुत से चेंजेस आए, मतलब अटैकिंग में चेंजेस आए। तो समरीज में दिखाते तो सो आइटम क्यूक्लो इसके हाथ में मैंने दिया रखा है, और फ्रेंच प्लांट, गीगा ड्रेन, सोलाबीम मुझे मिला था उस पोकेमोन मैंशन से, और उधर से मैंने ले लिया। सो इधर भी थंडर आया। थंडर हम लोग पावर प्लांट से लेके आए थे। पावर प्लांट अभी तक आप लोगों ने एपिसोड में देखा नहीं, तो नेक्स्ट एपिसोड में शायद आपको देखने को मिल सकता है। सो आगे वाले, सो इधर थंडर और फोकस पंच आया, क्योंकि अटैक मैंने रख गया है क्योंकि शायद ज़रूरत पड़ सकता है। सो ओवरहीट, एक्सट्रीम स्पीड, फायर ब्लास्ट और फ्लेम थ्रोवर मैंने जिमी को सिखा के रखा है, और उसके साथ इसको मैंने दिया रोस्ट बेरीज, और इधर नन दिया है, कुछ भी नहीं दिया। सो कुछ मिला ही नहीं मुझे देने के लिए। सो इधर हाइपर बीम, बॉडी स्लैम, ब्लिसर्ड सिखाया है मैंने उसको, और स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया है, और स्टील विंग, ड्रिल पैक, फ्लाई और ट्राई अटैक मैंने सिखाया है किसको, स्पीडी को। सो स्टील विंग आया है इधर, और इधर एक बहुत ही बड़ा चेंज कुछ भी नहीं है। सो सर्फ, बॉडी स्लैम, हाइड्रोपमेंट, आइस बीम। सो फाइनली हम लोगों ने सब कुछ दिखा से, इधर एक्सपीड दिया है मैंने, और हम लोगों ने स्नॉलस को एक्यूरेसी दिया, और स्वीटी को हम लोगों ने एक्सपीड दिया, और स्पीडी को हम लोगों ने दिया था एक बेरी। सो फाइनली हम लोग इसको भी एक बेरी दे देते गाइस। सो ये आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैं इसको छोड़ दिया था। सो फाइनली इसको भी कुछ दे दिया हम लोगों ने। सो सब कुछ रेडी है। सो फाइनली हम लोग जाएंगे अंदर। ओके बंद हो गया। सो इसके पास पूरा आइस टाइप पोकेमोन है गाइस। सो फाइनली हम लोग इसके साथ बैटल करेंगे। सो चलिए इसके साथ बात करते हैं। वेलकम टू द पोकेमोन लीग, आई एम लोरेलाई ऑफ द एलीट फोर, नो वन कैन बेस्ट मी व्हेन इट कम इन आईसी पोकेमोन्स, फ्रीजिंग मूव्स अ पावरफुल, योर पोकेमोन विल बी एट मर्सी, विल दे विल फोर्स एंड सोल इट्स, हाहा, आर यू रेडी? यस, हम लोग रेडी। सो लोरेलाई के साथ बैटल गाइस। सो फाइनली हम लोग इधर तक पहुंच गए। सो इधर तक पहुंचने के लिए बहुत ही मेहनत किया गाइस हम लोगों ने। सो उसका पहले ड्यूगोंग आ रहा है, सो हम लोग का टेरा आएगा, और टेरा का फ्रेंच प्लांट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सो देखते हैं फ्रेंच प्लांट से क्या होता क्या है। शायद टेक डाउन हो जाना चाहिए। यस, वी टेक डाउन हिम। सो सिंपली हम लोगों ने टेक डाउन। और मैं एक बात बोलूँ कि इधर तक आने के लिए ना आपको सब पोकेमोन को ट्रेन अप करना ज़रूरत होगी गाइस। सो बहुत से लोग क्या करते हैं, 85 एक पोकेमोन को कर देते हैं, और उसका पहला पोकेमोन को वो लोग 85 करते हैं। सो ऐसा करोगे तो नहीं होगा। सो स्नोब्रो आ रहा है, नो चेंजिंग। सो इधर से हम लोग ऐसे ही जाएंगे, इसी मूवमेंट में ही जाएंगे। सो फाइनली स्नोब्रो यूज अमनेजिया। ओके, सो हम लोग कोई चेंजेस नहीं। सो हम लोग इधर क्या करें। सो फ्रेंच प्लांट फिर से करेंगे। सो हम लोग इसमें बहुत काबिल हो गए फ्रेंजी प्लांट में। सो फाइनली हम लोग उसका ओके डन नहीं हुआ। सो नो प्रॉब्लम, हम लोग इधर तक पहुँचे, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। सो हम लोग गीगा ड्रेन करना तो चाहते पर नहीं करेंगे। ओके, यान का इस्तेमाल किया है। सो यान आ रहा है, यान। ओके, मैं पोकेमोन चेंज करूँगा, मैं जैपी को लेके आऊँगा गाइज, शायद जैपी का थंडर काम आ जाए। स्नोब्रो यूज आइस बीम, या ठीक है, शायद गिर मत जाना प्लीज़। ओके, गिरा नहीं है। सो हम लोग इधर करेंगे थंडर बोल्ट। ओके, थंडर बोल्ट आ गया है, शायद ये टेक डाउन हो जाएगा। सो फाइनली थंडर बोल्ट से इट्स सुपर इफेक्टिव। ओ शूट,
ओके कौन सा बेरी डाल दिया? ओके मैंने जो बेरी दिया इपापा बेरीज, सो क्यूट कैट। ओके ओके फुल रिस्टोर का इस्तेमाल किया है उसने। सो फाइनली हम लोग क्यूट अटैक थंडर बोल्ट, थंडर का इस्तेमाल करना चाहिए था ना। यस सो के क्रिटिकल हिट और गया स्नो ब्रोस, उसका सेकंड पोकेमॉन भी गया। सो जैपी को बोला 913। फाइनली अभी उसका नेक्स्ट पोकेमॉन क्लोइस्टर, नो चेंजिंग, शायद वो आएगा तो हेल होगा, हेल, क्योंकि लास्ट में जब येलो खेला तो उसमें भी हेल ही हुआ था। सो हम लोग थंडर का इस्तेमाल करेंगे। सो ओके थंडर बहुत ही कमाल का गया गाइस। सो पावर प्लांट से मिला था मुझे थंडर। सो फाइनली शायद वो भी टेक डाउन हो गया है। सो हम लोगों ने क्लोस्टर को भी टेक डाउन कर लिया है गाइस। सो अभी 2218 मिला हम लोग को एक्सपीज। सो जिंक्स हो रहे हैं प्रिटी गुड। या चेंज करेंगे, उसके पास साइकिक और वो वाला मूव्स है। सो मैं किसको लेके आओ गाइस? ओके सो देखते हैं, शायद वाटर टाइप मूव्स नहीं होंगे इसके पास, आइस टाइप मूव्स होंगे। सो जिंक्स आ रहा है, जिंक्स उसका हुक का इक्का है शायद। ओके सो ओवर हीट, टेक डाउन हो जाए तो अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। बजर लगाया गाइस, वो एक ही झटके में वो शिट। और जिमी टू तो इनकलाब जिंदाबाद। सो क्या लैपरस आ रहा है, सो चेंज करेंगे। सो जैपी को ही इस्तेमाल करते हैं। सो जिमी का एक अटैम्प में उसका जींस गिर गया गाइस। मुझे मैं जब छोटा था ना इससे भी अच्छा नहीं खेलता था। मेरा ये नया टीम बनाया मैंने, सो दिखने में थोड़ा अच्छा ही है। सो बहुत ही हल्का फुल्का बनाया है टीम को। सो इधर लैप्रस का हो गया शायद डाउन, नहीं हुआ गाइस। सो ओके वो पैरालाइज हो गया, ही इज अनएबल टू मूव। ओके गुड। सो ओके उसने भी पापा बेरिस लगाया होगा, नहीं उसने सिट्रस बेरिस लगाया। सो हम लोग थंडर बोल्ट करेंगे, छोटा अटैक कर देंगे इनकेस ज़्यादा बड़ा वाला कुछ नहीं करेगा। और इसके पास लैप्रस कब आया मैं वो सोच रहा हूँ गाइस, पहली बार इसके पास लैपर्स देख रहा हूँ मैं गाइस। सो 2533 और प्लेयर डिफीट एलाइट फॉर लोरेलाई। ओके वी डिफीट, थिंग्स शुड बी नॉट दिस वे। सो आई वी गॉट 5400, बहुत ही अच्छा कीमत है गाइस। ओके यू आर बेटर देन आई थॉट, गो अहेड, यू ओनली गॉट द टेस्ट ऑफ पावर पोकेमॉन लीग्स पावर। सो ओके तो अब लास्ट एपिसोड में हम लोग खेलेंगे ब्रूनो के साथ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, सो बाय बाय।